कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में एक सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन, जो हमारे 700 किसान भाइयों की मृत्यु हुई, वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना। और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों के का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम, रिकॉर्ड नहीं है, तो कॉम्पनसेशन किसका। तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं, उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है, और 152 लोगों को हमने नौकरी दी है, और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहाँ हैं, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, 403 ये हैं एंड 100 ये हैं, हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। पॉइंट ये है कि कोरोना में कितने लोग मरे, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। किसानों की, कितने किसानों की मृत्यु हुई, सरकार को कोई रिकॉर्ड नहीं। और कारण यह है कि आप थोड़ा सा कॉम्पनसेशन, मतलब लाखों करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है, थोड़ा सा कॉम्पनसेशन इन लोगों को नहीं देना चाहते हो। जब ये शहीद हुए, पार्लियामेंट में आपने इनको 2 मिनट की मौन व्रत नहीं दी। सरकार के पास रिकॉर्ड है, और अगर वो चाहते हैं तो ये हमारी लिस्ट ले लें और ये 700 लोगों को कॉम्पनसेशन दे दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। माफ़ी क्यों मांगी, किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे थे? माफ़ी इसलिए मांग रहे थे कि उन्होंने ये जो 3 कानून लागू करे वो गलत थे। 3 कानून लागू किए इसीलिए तो किसान बाहर निकले थे। तो आपने अगर एक्सेप्ट किया है कि आपकी जिम्मेदारी है, तो फिर आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो किसानों की मृत्यु हुई है वो भी आपकी जिम्मेदारी है। दिस इज नॉट द वे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड बी बिहेविंग। दिस इज अ वेरी अनप्लेजेंट, immoral and cowardly way to behave. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Voter Story and support independent, robust journalism.